वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस. लास्ट वीडियो वी रीड अबाउट एलिमेंट्स ऑफ पाइथन, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स. एज यू नो, कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड इन पाइथन दैट हैव ए स्पेशल मीनिंग एसोसिएटेड विद देम. द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कीवर्ड्स आर फॉल्स, क्लास, फाइनली, इज, रिटर्न, नन, एटसेट्रा. नेक्स्ट आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स इज ए नेम गिवन टू ए प्रोग्रामिंग एलिमेंट. एंड टूडे द नेक्स्ट इज वेरिएबल्स. द थर्ड एलिमेंट ऑफ पाइथन इज वेरिएबल. इन प्रोग्रामिंग ए वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन और इंफॉर्मेशन पास टू ए प्रोग्राम. यहाँ पे अपन कह सकते हैं वेरिएबल क्या है. वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या अपन प्रोग्राम में जो भी वैल्यू पास करते हैं, जो भी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. व्हेन ए वेरिएबल इज क्रिएटेड, मेमोरी स्पेस इज रिजर्व फॉर इट इन द कंप्यूटर. जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो इसकी मेमोरी है. इट मीन्स जब भी कोई वेरिएबल बनेगा तो उसकी मेमोरी क्रिएट होगी किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर. एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड इन दिस मेमोरी स्पेस. और आपका जो डेटा है वो कहाँ पे से होगा, मेमोरी स्पेस में. तो देखिए कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल वैल्यू सेव करता है. जनरली अपन कहते हैं कि अदर कोई लैंग्वेज है पाइथन के अलावा, उसके अंदर जो वेरिएबल क्या करेगा, एक मेमोरी स्पेस क्रिएट करेगा और देन उसमें कोई वैल्यू सेव करेगा. और इन द केस ऑफ पाइथन अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू लिंक होती है. पर जब भी कोई वेरिएबल बनेगा तो उसका क्या होगा, उसका मेमोरी स्पेस बनेगा एक. ए नेम कैन गिवन टू द मेमोरी स्पेस टू आइडेंटिफाई इट. एक नेम है वो मेमोरी स्पेस को दिया जाता है जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके, और उसे अपन क्या कहते हैं, वेरिएबल. सो वेरिएबल आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा. तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए. तो अगर आपको यहाँ पे डेफिनेशन देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा. नेक्स्ट इज अगर अपन एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो देखिए यहाँ पे नीचे नीचे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, वी ए आर इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे 10 क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी. और var यहाँ पे क्या होगा, एक वेरिएबल होगा जो किसको स्टोर करेगा, 10 को स्टोर करेगा. और इन द केस ऑफ पाइथन ये 10 को क्या करेगा, लिंक करेगा. ऐसा आपको दे रखा है नेम इज इक्वल टू रश्मि. तो नेम यहाँ पे क्या, एक वेरिएबल है जो किसको स्टोर कर रहा है, रश्मि को स्टोर कर रहा है. रश्मि यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है. स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. जनरली अगर अपन वैल्यू देते हैं वो टू टाइप्स की होती है, या तो न्यूमेरिक होती है या फिर वो कैरेक्टर वैल्यू होती है. न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर या तो अपन इंटीजर देते हैं या अपन क्या करते हैं, पॉइंट के साथ वैल्यू देते हैं. जैसे लाइक मैंने यहाँ पे दिया है वी आर इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू है. और अगर मैं करता हूँ एज इज इक्वल टू 15.12, ये क्या हो गया, अपना पॉइंट के साथ वैल्यू होगी, डेसिमल वैल्यू होगी. तो कहने का मतलब ये है कि न्यूमेरिक वैल्यू आपकी दो टाइप की होती है. और अगर अपन बात करें कैरेक्टर वैल्यू की, तो यहाँ पे या तो सिंगल कैरेक्टर होता है या फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर एक साथ होते हैं. सिंगल कैरेक्टर है उसको नॉर्मली अपन कैरेक्टर से बोलते हैं, और जो नंबर ऑफ कैरेक्टर एक साथ होते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं. तो यहाँ पे ये 3 वेरिएबल है, वी ए आर, नेम एंड एज. ये किसको स्टोर कर रहे हैं, ये इसके आगे जो वैल्यू, इक्वल साइन के आगे जो वैल्यू दे रखी है उसको स्टोर कर रहे हैं, जिसमें 10 है रश्मि और 15.12 है. तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है. और वेरिएबल किसके लिए यूज आता है, वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज आता है. देन अपन कह सकते हैं वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा. कि वेरिएबल क्या है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन है. इसका मतलब जिसकी मेमोरी लोकेशन जब हुआ है तो उसका कोई ना कोई नेम है, और वो क्या कर रहा है, डेटा को स्टोर कर रहा है. नेक्स्ट इज द रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल आर सेम एज द रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर. वेरिएबल के जो रूल्स होते हैं, वेरिएबल बनाने के जो रूल्स होते हैं, वो वही हैं जो आइडेंटिफायर बनाने के रूल्स हैं. देखिए आइडेंटिफायर बनाने के जो रूल्स अपन ने पढ़े थे वो कौन कौन से थे. एन आइडेंटिफायर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर. मतलब कोई भी आइडेंटिफायर बनाते हैं तो उसमें अपर केस आ सकते हैं, लोअर केस आ सकते हैं, कोई डिजिट आ सकता है, कोई अंडरस्कोर आ सकता है. इसके अलावा अपन ने पढ़ा था एन आइडेंटिफायर नेम कैन स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर. आइडेंटिफायर है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है.
एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट. आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता. इट मीन्स जस्ट लाइक यहाँ पे दे रखा है 1VAR, ये क्या है, ये गलत है. तो जो रूल्स अपन आइडेंटिफायर्स के लिए यूज करते हैं वही अपन किसके लिए यूज करते हैं, वेरिएबल के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट रूल है कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज ए आइडेंटिफायर. कीवर्ड का यूज एज ए आइडेंटिफायर नहीं होता है. तो वैसे क्या होगा, वेरिएबल का यूज भी एज ए आइडेंटिफायर नहीं होगा. इट मीन्स कोई भी जो सॉरी वेरिएबल का यूज भी एज ए कीवर्ड नहीं होगा. इट मीन्स कोई भी कीवर्ड है उस नाम से अपन क्या नहीं बना सकते, वेरिएबल नहीं बना सकते और आइडेंटिफायर नहीं बना सकते. नेक्स्ट इज स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर कैन नॉट बी यूज इन आइडेंटिफायर. अगर अपन बात करें अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल अपन इसमें यूज नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज एन आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेस. आइडेंटिफायर नेम में कोई भी स्पेस नहीं आता है, तो वैसे आपके वेरिएबल नेम में भी कोई स्पेस नहीं आता है. आइडेंटिफायर नेम आर केस सेंसिटिव. ये केस सेंसिटिव है, इट मीन्स अगर आपने लिखा है VAR कैपिटल के अंदर और आपने लिखा है VAR स्मॉल के अंदर, तो दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग होंगे. नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ. ये किसी भी लेंथ के हो सकते हैं. इट मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर, अगर आप कोई भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने भी हो सकते हैं. तो ये जो भी रूल्स आपने आइडेंटिफायर के लिए यूज की वही अपन किसके लिए यूज करेंगे, अपने वेरिएबल्स के लिए. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ वैलिड वेरिएबल्स नेम जस्ट लाइक VAR माई क्लास माई स्कूल एंड ABC. देखिए यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज है, इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं होता. नेक्स्ट इज लिटरल्स. द लेटर्स यूज टू रिप्रेजेंट नंबर और सम अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड लिटरल्स. कि अगर अपन कोई भी लेटर का यूज करते हैं जिसमें अपन किसी भी नंबर या किसी भी अदर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, लिटरल्स. जनरली अपन ये कहते हैं कोई भी वैल्यू होगी, इट्स लाइक अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है या कोई अल्फाबेटिक वैल्यू है उसे अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे लिटरल्स. दीज आर द कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट इज असाइनिंग ए वैल्यू टू वेरिएबल. कैसे किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं. टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज. जब भी अपन किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू अपन असाइन करेंगे तो अपन क्या यूज करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स इक्वल साइन. द जनरल सिंटेक्स फॉर असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल इज एज फॉलोज. तो जनरल सिंटेक्स क्या कहता है, सबसे पहले आता है आपका वेरिएबल नेम, देन इक्वल साइन और देन बाद में क्या आता है, वैल्यू. तो वही एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो VAR इज इक्वल टू 10, तो ये 10 किसको असाइन हो गया है, VAR को असाइन हो गया. नेम इज इक्वल टू रश्मि, रश्मि किसको असाइन हो गया है, नेम को असाइन हो गया. और एज इज इक्वल टू 15.12, तो ये 15.12 जो वैल्यू है वो किसको असाइन हुई है, एज ही. यहाँ पे एज नेम और VAR क्या है, वेरिएबल, और 10 रश्मि और 15.2 क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट. तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, इक्वल साइन का यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं. तो ये अपना वेरिएबल्स. थैंक यू.